दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिकेट जगत की उस लीडिंग पर्सनालिटी के बारे में जिनसे जुड़े सवाल जवाब अक्सर आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्या आपको पता है भारत की पहली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन थी? नहीं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। भारत की पहली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन शांता रंगा स्वामी थी, जिनका जन्म 1 जनवरी 1954 में चेन्नई में हुआ था। शांता रंगा स्वामी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की लीडिंग पर्सनालिटी में से एक है। रंगा स्वामी ने अपने नाम सबसे पहले कई रिकॉर्ड किए हैं। रंगा स्वामी एक बहुत ही वर्सटाइल खिलाड़ी थी। रंगा स्वामी 1976 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन बनने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्होंने अपना पहला मैच 1976 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था और उनकी कैप्टनसी में भारतीय महिला टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर अपना पहला टेस्ट मैच जीता था। उन्होंने 12 मैचों में भारत महिला टीम की कप्तानी की। रंगा स्वामी ने 16 टेस्ट मैच खेले और 32.7 की औसत से 750 रन बनाए। रंगा स्वामी टेस्ट मैच में भारत की ओर से शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। शांता रंगा स्वामी ने 1976 में अर्जुन पुरस्कार भी जीता था। रंगा स्वामी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। यह अवार्ड मिलना अपने आप में ही बहुत गर्व की बात होती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।